नमस्कार, न्यूज स्टूडेंट नेटवर्क के इस खास कार्यक्रम उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं उत्तराखंड की मुख्य खबरें। चलिए शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। उत्तराखंड में होने वाले कुंभ को लेकर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अधिकारियों की ली महत्वपूर्ण बैठक। मेले के लिए तैयार होगा 1000 बेड का कोविड सेंटर केयर। राज्य के 70 लाख ग्रामीणों के लिए सरकार ने शुरू की खास हेल्प डेस्क सुविधा। पंचायत संविधान के इन विषयों को किया शामिल। पर्यटकों के लिए सरकार ने लागू की खास पर्यटक प्रोत्साहन कूपन योजना। 3 रात देवभूमि में रुकने पर ऐसे मिलेगा 1000 रुपए तक का डिस्काउंट। श्रद्धालुओं के लिए एक बार फिर रोकी गई पवित्र यमुनोत्री धाम की यात्रा। पैदल मार्ग पर आए भूस्खलन के चलते लिया ये फैसला। देश में स्कूल खोलने को लेकर अब कैबिनेट सुनाएगी फैसला। शिक्षा मंत्री ने जिलाधिकारियों को सौंपी अहम जिम्मेदारी। उत्तराखंड में शुरू हुए पॉलिटेक्निक संस्थानों के एडमिशन। काउंसलिंग के बाद 2 नवंबर तक चलेगी दाखिले की प्रक्रिया। आगे दिखाएंगे त्योहारी सीजन की शुरुआत में क्या है कार कंपनियों का बम्पर डिस्काउंट। लाखों के डिस्काउंट में घर ले जाएं ये लग्जरी कार। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में वर्ष 2021 में होने वाले कुंभ को लेकर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक ली है। इस दौरान सीएम ने कुंभ मेले में स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने की बात कही है। उन्होंने मेले को लेकर किए जा रहे सौंदर्यकरण के कार्यों को भी जल्द पूरा करने को कहा है। सीएम त्रिवेंद्र ने कहा कि कुंभ मेले में धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को बरकरार रखते हुए कोविड-19 के इस दौर में सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाए। इस संबंध में अखाड़ों के संत महात्माओं का सहयोग लिया जाएगा। उन्होंने मुख्य सचिव को हर सप्ताह कुंभ की तैयारियों की समीक्षा करने के भी निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग को सभी धर्मशालाओं, आश्रमों व होटलों को कोविड के दृष्टिगत कैसे सुरक्षित रखा जाए इस पर कार्य योजना बनाने को कहा है। हरिद्वार से अतिक्रमण को हटाने और सड़कों को जल्द से जल्द दुरुस्त करने के भी निर्देश सीएम ने दिए हैं। बैठक में मेलाधिकारी दीपक रावत ने कुंभ के विभिन्न कार्यों की प्रगति की जानकारी दी है। मेलाधिकारी ने कहा कि हरिद्वार के कूड़ा निस्तारण के लिए कार्य योजना तैयार की गई है। इसके अलावा हरिद्वार में 1000 बेड का कोविड केयर सेंटर भी बनाया जाएगा, जिसमें लगभग 493 चिकित्सकों की व्यवस्था की जा रही है। आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए बाइक एम्बुलेंस और बोट एम्बुलेंस दोनों को तैनात किया जाएगा। उन्होंने जानकारी दी कि पूरा कुंभ मेला क्षेत्र 23 सेक्टर में विभाजित किया गया है। अब खबर सरकार द्वारा शुरू की गई खास हेल्पलाइन डेस्क की। उत्तराखंड के गांवों में रहने वाली 70 लाख से अधिक की आबादी को सरकार अब हेल्प डेस्क सुविधा देने जा रही है। इस डेस्क के जरिए 63,000 से अधिक पंचायत प्रतिनिधियों के साथ ही गांवों के अन्य लोग अपनी समस्याओं को सामने रख सकेंगे और योजनाओं की जानकारी सीधे हासिल कर सकेंगे। पंचायत विभाग ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के सामने इस योजना का खाका पेश किया है। पंचायत सचिव हरिचंद्र सेमवाल ने बताया कि सरकारी ई मार्केट के जरिए इस व्यवस्था को तैयार किया जा रहा है, जिससे ईमेल, व्हाट्सएप, दूरभाष, एसएमएस आदि के जरिए ग्राम समाज तक पहुंच बनाई जाएगी। इसमें उपभोक्ता सेवा केंद्रों आदि को भी जोड़ा गया है। हेल्प डेस्क का मुख्य उद्देश्य पंचायतों का क्षमता विकास करना है। पंचायत सचिव के मुताबिक 9 नवंबर तक इस योजना को धरातल पर उतारने की तैयारी है। पंचायत निदेशालय के स्तर पर स्थापित होने वाली इस व्यवस्था में एक बार में पंचायत विभाग 10,000 लोगों से अलग अलग संचार माध्यम से जुड़ सकेगा। ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों से लेकर गाँव का कोई भी व्यक्ति इस डेस्क को अपनी समस्या बता सकेगा और सरकारी योजनाओं से लेकर अन्य मामलों में जानकारी ले सकेगा। पंचायत विभाग की माने तो हेल्प डेस्क पंचायत के साथ ही इसमें संविधान के तहत सौंपे गए 29 विषयों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली, सफाई आदि से संबंधित विभागों को भी शामिल किया गया है। दोस्तों, न्यूज स्टूडेंट नेटवर्क आपको हमेशा अपडेट करता रहता है, इसीलिए आप वीडियो को देखने के साथ एक लाइक जरूर कर दें, जिससे हम आपको आपकी तरक्की से जुड़ी हर एक जानकारी आप तक पहुंचाते रहें। अब खबर पर्यटकों के लिए डिस्काउंट योजना की। पर्यटकों को लुभाने के लिए प्रदेश सरकार निरंतर नए प्रयास कर रही है। वहीं अब उत्तराखंड आने वाले देशी और विदेशी पर्यटकों के लिए सरकार ने नई योजना बनाई है, जिसमें पहाड़ी क्षेत्रों में बने होटल और होम स्टे में ठहरने पर पर्यटकों को 1000 रुपए तक का डिस्काउंट दिया जाएगा। पर्यटक प्रोत्साहन कूपन योजना में उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों को स्मार्ट सिटी पोर्टल पर टूरिस्ट कैटेगरी में अपना पंजीकरण कराना होगा। जानकारी के मुताबिक ये योजना फिलहाल 1 माह के लिए लागू की जा रही है। योजना के परिणामों और सफलता के आधार पर इसे अगले 2 माह तक बढ़ाया जाएगा। इस योजना में 3 दिनों तक होटल व होम स्टे में रहने पर पर्यटकों को अधिकतम 1000 रुपए या 25% प्रतिदिन के हिसाब से प्रोत्साहन कूपन दिए जाएंगे। इस कूपन पर पर्यटकों को होटल व होम स्टे के रूम बिल में छूट का लाभ मिलेगा और सरकार की ओर से पर्यटकों की छूट राशि का भुगतान
होटलों और होम स्टे को 15 दिन के भीतर किया जाएगा। इस कूपन की वैधता 3 दिनों के लिए मान्य होगी। कूपन का लाभ प्रति बुकिंग प्रति रात्रि ई पास वैधता के दिन तक मिलेगा। पंजीकरण के समय पर्यटक को आधार संख्या, आईडी कार्ड, ई पास का उल्लेखन कराना होगा। पर्यटकों को इस बुकिंग के लिए डिजिटल भुगतान करना होगा। अब खबर यमुनोत्री यात्रा पर लगाई गई रोक की। कोरोना काल में लंबे समय बाद खुली उत्तराखंड की यमुनोत्री धाम यात्रा को एक बार फिर से रोक दिया गया है। पवित्र यमुनोत्री धाम के रास्ते में आए भूस्खलन के चलते यात्रा पर रोक लगाई गई है। यमुनोत्री पैदल मार्ग पर ऋषि गंगा के पास कुछ दिनों से बार बार भूस्खलन हो रहा है। खतरा बढ़ता देख यमुनोत्री की यात्रा को फिलहाल रोक दिया गया है। यमुनोत्री दर्शन को पहुंचे 34 यात्रियों को भी पुलिस और SDRF ने वहां से सकुशल निकाल लिया है। बड़कोट के जिलाधिकारी के मुताबिक यात्रा को रोकने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। बता दें कि यमुनोत्री धाम के अंतिम पड़ाव जानकी चट्टी से 1.5 किलोमीटर दूर पैदल मार्ग पर भी कुछ दिन पूर्व जबरदस्त भूस्खलन हुआ था। इस दौरान धाम से लौट रहे यात्रियों ने भागकर अपनी जान बचाई थी। वह एक बार फिर से इस तरह की स्थिति पनपते देख यात्रा को रोकने का निर्णय लिया गया है। अब खबर प्रदेश में स्कूलों को खोले जाने को लेकर। उत्तराखंड में शिक्षा विभाग द्वारा मांगी गई स्कूलों की रिपोर्ट में 67% अभिभावकों व छात्रों ने स्कूलों को बंद रखने का सुझाव दिया है। दरअसल केंद्र सरकार से मिली स्कूलों को खोलने की अनुमति के बाद यह सुझाव प्रत्येक जिले से मांगे गए हैं, जिसको देखते हुए स्कूलों को 3 चरणों में खोलने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। बता दें कि स्कूलों को खोलने के फैसले को अंतिम रूप राज्य के हर जिले के जिलाधिकारी देंगे। वहीं मामले में शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि ऑनलाइन पढ़ाई से दूरी बनाने वाले निजी स्कूल किसी भी सूरत में छात्रों से फीस लेने के हकदार नहीं हैं। ऐसी शिकायतों पर विभाग ने कार्रवाई की है। शिक्षा मंत्री के मुताबिक ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कराने वाले निजी स्कूलों की फीस वसूली पर सरकार सख्ती से निपटेगी। इसके लिए शिक्षा अधिकारियों को कार्रवाई करने के स्पष्ट निर्देश भी दिए गए हैं। शिक्षा मंत्री की माने तो प्रदेश में स्कूल खोलने के बारे में अभी निर्णय नहीं लिया गया है। यह मामला संवेदनशील है, जिलों से फीडबैक लिया जा रहा है, पूरे मामले में कैबिनेट निर्णय लेगी। उन्होंने कहा कि स्कूलों को खोलने के फैसले में अभिभावकों की राय काफी महत्वपूर्ण होगी। अब खबर पॉलिटेक्निक कॉलेजों में एडमिशन की। प्रदेश भर में कोरोना की वजह से बंद पड़े पॉलिटेक्निक संस्थानों में अब एडमिशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके लिए 9 अक्टूबर से प्रथम चरण की काउंसलिंग शुरू होगी। 19 अक्टूबर तक दाखिले खत्म हो जाएंगे। जानकारी के अनुसार यह काउंसलिंग पूर्ण रूप से निःशुल्क होगी, लेकिन छात्र को एडमिशन लेने के लिए 8,000 रुपए शुल्क संस्थान में जमा करना होगा। प्रथम चरण में दाखिले के बाद जो सीटें बचेंगी उनकी काउंसलिंग 23 अक्टूबर से शुरू की जाएगी। इसके दाखिले 2 नवंबर तक पूरे किए जाएंगे। आपको बता दें कि इस बार कोरोना के कारण छात्रों को अपने दस्तावेज उस पॉलिटेक्निक कॉलेज में ले जाने की जरूरत नहीं है जहां सीट मिलेगी। साथ ही छात्रों को काउंसलिंग के दौरान अपनी सीट अपग्रेड करने में दोबारा दस्तावेज भी नहीं दिखाने होंगे। प्रथम चरण में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और च्वाइस भरने की तिथि 9 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक, वहीं दूसरे चरण में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और च्वाइस भरने की तिथि 23 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक होगी। प्रथम चरण में सीट आवंटन 15 अक्टूबर तक और आवंटित सीटों पर दाखिले की तिथि 16 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक होगी, जबकि दूसरे चरण में सीट आवंटन 29 अक्टूबर तक व आवंटित सीटों पर दाखिले की तिथि 30 अक्टूबर से 2 नवंबर तक रखी गई है। पॉलिटेक्निक में दाखिले से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर और काउंसलिंग के लिए आधिकारिक वेबसाइट आपकी स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। अब खबर त्योहारी सीजन में कारों में मिलने वाले डिस्काउंट की। त्योहारी सीजन की शुरुआत से पहले ग्राहकों को लुभाने के लिए वाहन कंपनियों ने बम्पर डिस्काउंट की पेशकश की है। सबसे बड़ी वाहन निर्माता कंपनी मारुति अल्टो से लेकर डिजायर तक बम्पर छूट दे रही है, तो हुंडई i20 को सस्ते दाम पर बेच रही है। हुंडा ने कई मॉडल पर 2 लाख से ज्यादा छूट दी है। रेनो ने भी दाम घटाए हैं। डिजायर पर कंपनी 44,000 रुपए तक डिस्काउंट दे रही है, जबकि एस्प्रेसो पर 48,000 रुपए और इको पर 38,000 रुपए की छूट मिल रही है। इसके अलावा सेलेरियो पर 5,000 रुपए और अल्टो 800 पर 41,000 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है। कंपनी ये छूट कैश एक्सचेंज बोनस और कॉरपोरेट बोनस मिलाकर दे रही है। दक्षिण कोरिया कंपनी जल्द ही भारत में i20 का नेक्स्ट जनरेशन मॉडल लॉन्च करने जा रही है। इससे पहले कंपनी ने मौजूदा मॉडल पर 75,000 रुपए तक की बम्पर छूट पेश की है। होंडा ने अमेज मॉडल पर 47,000 रुपए का डिस्काउंट पेश किया है।
इसके अलावा होंडा सिटी पर 30,000 रुपये, WRV पर 40,000 रुपये और ZEZ पर 40,000 रुपये तक की छूट दी जा रही है। ये छूट कैश, वारंटी और एक्सचेंज के रूप में दी जा रही है। सबसे बड़ा फायदा सिविल मॉडल पर मिल रहा है, जिसके पेट्रोल वर्जन पर 1,00,000 रुपये और डीजल मॉडल पर 2.5 लाख रुपये का कैश डिस्काउंट रखा गया है। रेनो की बात करें तो 31 अक्टूबर तक ऑनलाइन बुकिंग पर ग्राहकों को 1,00,000 रुपये की छूट दी जा रही है। कंपनी ने डस्टर और ट्रिबर पर कैश, एक्सचेंज, लॉयल्टी और कॉरपोरेट डिस्काउंट के रूप में 1,00,000 रुपये तक छूट के साथ 3.99% ब्याज का ऑफर भी किया है। दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसको YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए और हमारे पेज को फॉलो करें। नमस्कार।